हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हैं टेक ब्लॉग मिंत्रा मेरे साथ। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना ऑनलाइन ई पास बनवा सकते हैं लॉकडाउन के अंदर। पहले मैंने एक वीडियो बनाया हुआ था, लेकिन उसके अंदर मैंने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा वालों के लिए बताया था कि कैसे आप अपना ई पास बनवा सकते हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी वेबसाइट बताने वाला हूँ जिससे आप ऑल ओवर इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो आप उसका ई पास आप एक ही वेबसाइट पर जाके बनवा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अलग अलग जो स्टेट्स है उसकी लिस्ट मिल जाएगी और वहाँ पर जाके आप अपना ई पास या फिर मूवमेंट पास जिसे कहते हैं वो बनवा सकते हैं, या फिर एसेंशियल सर्विसेज के लिए अगर आप ई पास बनवाना चाहते हैं तो वो भी वहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आरंभ करते हैं और पूरा देखिएगा इस वीडियो के अंत तक। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप ई पास ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं किसी भी स्टेट का, जहाँ पे ई पास जो सर्विस है वो गवर्नमेंट की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से अगर दी जा रही है तो वो चीज़ आप ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। मैं यहाँ पर आपको एक वेबसाइट बताता हूँ, इस वेबसाइट पर आपको जाना है। ये वेबसाइट है serviceonline.gov.in/ePass। इस वेबसाइट पे आपको जाना है और गूगल क्रोम के अंदर जाइए या फिर फ़ोन से भी आप कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे आपको जाना है। यहाँ पे जाने के बाद ये आपको बताएगा कि कितनी एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई जा चुकी हैं, कितने ई पास के लिए लगाई जा चुकी हैं और कितने इशू हो चुके हैं, कितने रिजेक्ट हो चुके हैं और कितनी अंडर प्रोसेस हैं। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे दो ऑप्शन आपको मिलेंगे, अप्लाई फॉर ई पास और ट्रैक योर एप्लीकेशन। जैसे ही आप अपने ई पास के लिए अप्लाई कर देंगे तो उसके बाद आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिलेगा जिसको आप यहाँ पे जाके ट्रैक कर पाएंगे और उस स्टेट को सेलेक्ट करके वहाँ पे आप ट्रैक कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको फॉर्म फिलअप करके नहीं बताऊँगा, लेकिन आपको बता देता हूँ कि मैं आपको कैसे जाना है। जैसे आप अगर मान लीजिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, अगर आप आंध्र प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वो स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो ई पास से रिलेटेड जो भी सर्विसेज दी होंगी वहाँ की गवर्नमेंट ने, तो यहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा उसका। जैसे यहाँ पे इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा और ये आपको नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाएगा जो कि आंध्रा वेबसाइट का रहेगा। और यहाँ पे आप जाके अपना पूरा जो भी डिटेल्स यहाँ पे मांगी गई है वो सारी यहाँ पे फिलअप करेंगे और जो भी मैंडेटरी है वो यहाँ पे आप डालेंगे। मैंडेटरी के ऊपर ये आपको मार्क मिलेगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि मैंडेटरी क्या है। तो ये मैंडेटरी जहाँ पे भी ये स्टार रेड कलर का आपको दिखे वो आपको फिलअप करना ही करना है और जहाँ पे नहीं हो वो ऑप्शनल है, आप भरना चाहें तो भर सकते हैं, नहीं भरना चाहें तो मत भरिए। इसके बाद यहाँ पे सारा फॉर्म फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा डालना है और यहाँ पे आपको सबमिट करा देना है। सबमिट कराने के बाद आपके फ़ोन नंबर पर एक शायद OTP भी आए या फिर आपके पास सीधा डायरेक्टली सबमिट कराने के बाद एक SMS आएगा जिसके अंदर आपका एप्लीकेशन नंबर होगा। उसको ले जाके आपको क्या करना है कि कुछ दिन बाद या 24 to 48 hours के बाद आप उसको यहाँ पे ट्रैक कर सकते हैं। ट्रैक योर एप्लीकेशन पे सेम वेबसाइट पे आना, आपको यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन को सेलेक्ट करना है। देन इसके बाद जिस स्टेट में आपने अप्लाई किया था वो स्टेट आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप का जो एप्लीकेशन नंबर डालना है, यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि अगर आप एप्लीकेशन नंबर या रेफरेंस थ्रू के थ्रू आप चेक करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे। अगर आपको OTP के थ्रू करना है तो यहाँ पे आप अपना स्टेट सेलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आप अपना जो सर्विस है, आपने किस सर्विस के लिए आपने अप्लाई किया है वो चीज़ आपको डालनी है। ये कैप्चा डालना और सबमिट करा देना है। जो आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा वहाँ पे आपको डिटेल्स आपकी मिल जाएंगी और स्क्रीन पे भी आ जाएगा। अगर आप किसी और स्टेट का अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि यहाँ पर आप वापस आइएगा और यहाँ पर आने के बाद स्टेट सेलेक्ट स्टेट टू ई पास अप्लाई वापस से सेलेक्ट करिएगा। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे जो स्टेट्स हैं वो दिखाई देंगे। यहाँ पर जैसे मैं अभी बिहार का अगर सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे बिहार के लिए आ जाएगा और इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सेम आप बिहार की वेबसाइट पे चले जाएंगे यहीं से और यहाँ पे आपको सामने जो है वो फॉर्म मिल जाएगा और इस फॉर्म को पूरा फिलअप करके आप सेम प्रोसेस है पूरा फिलअप करके कैप्चा यहाँ पे डाल के उसके बाद आपको प्रोसीड कर देना है। जो भी आगे आपको नेक्स्ट स्टेप मिले या तो आपको मोबाइल नंबर डाल के OTP लेना होगा या फिर डायरेक्टली आपका ये सबमिट हो जाएगा। क्योंकि मेरे को फिलहाल कोई ई पास की ज़रूरत नहीं है तो मैं यहाँ पर आपको अलग अलग स्टेट का ई पास अप्लाई करके नहीं दिखा सकता क्योंकि इससे वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा। तो यहाँ पे आके आप जो जो स्टेट्स यहाँ पे दिए गए हैं उन स्टेट्स के अंदर अपना ई पास अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अलग अलग स्टेट्स हैं और साथ में यहाँ पर अपना ट्रैक करना चाहते हैं एप्लीकेशन, तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं जो अभी आपको एप्लीकेशन नंबर मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, अगर आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल नोटिफिकेशन के लिए जरूर दबाइएगा। बने रहिए टेक ब्लॉग मंत्रा के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।